सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश की। शिकायतकर्ता पूर्ण देश मोदी की तरफ से वशिष्ठ वकील महेश जेठमलानी की तर्क रखें। राहुल की याचिका जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाई। अदालत की ओर से दोनों पक्षों के बीच 15-15 मिनट का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात एक व्यक्ति के अधिकार की नहीं है, एक सांसद की है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सजा दी है, उन्हें इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। आपके फैसले में जज ने इन पर कुछ नहीं कहा। एससी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर सांसद आयोग नहीं करार दिया जाता। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें समाचार 24+।